पुलिस जो देख के अनदेखा होता है, पुलिस को पता है, जो पुलिस को पता है ये कांड हो रहा है फिर भी पुलिस देख के ना अनदेखा कर देता है। पैसे छीन रहे होंगे तो ये छीनने नहीं दिया, वही चाकू मार दिया। वो भी भर्ती है, वो बचे या ना बचे ये हम नहीं बता सकते, सबको ही पता है जो मतलब वहाँ क्या होता है। हमारे आदर्श नगर थाने को, हमारे सब्जी मंडी थाने को, रेलवे पुलिस को, सबको पता है जो वहाँ क्या होता है। दोनों को बाबू जंगजीरा में लेके गए, एक तो मौके वारदात पर वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया गया और एक का मतलब ज़्यादा सीरियस था तो मेरे ख्याल से लोकनायक ट्रॉमा सेंटर में मतलब उनको भेजा गया था वहाँ से रेफर करके। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पहली नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज़तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज़तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं सब मौजूद हूं दिल्ली के आज़ादपुर इलाके में। यहां से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली वारदात हमारे सामने आई है, जहां पर एक युवक जिनका नाम दुर्गेश बताया जा रहा है और उनकी उम्र करीबन 25 वर्ष थी, उनके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया जाता है। ये पूरी वारदात जो है उनके घर से कुछ ही दूरी पर होती है। अब आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला, किन लोगों ने उनके ऊपर वार किया, एक बार उनके परिवार के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे। जी, आपका नाम? कुंती। क्या कुछ जानकारी आपको इस मामले में? अरे हम लोग तो अंदर थे, वो तो घर से खा के निकला था। कितने बजे के आसपास? अरे वही 9 बजे था, और ये कांड होते होते 9:30 हो गया था शाम के। हाँ, उसके बाद? उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला हम लोग तो अंदर ही रह गए। जब वहाँ से पब्लिक चिल्लाई है तो हम लोग बाहर निकले तो वो ख़त्म हो चुका था। घर से कितनी दूरी पर हुई है ये वारदात? अरे बगल में हुआ है। तो कौन लोग थे, वो क्या कारण था कि उनके ऊपर हमला किया गया? वो तो चोरी के चक्कर में थे, वो पैसे ले रखा था ना ज़्यादा। कौन? ये मेरा देवर। किससे पैसे लिए थे? पैसे तो लेके आया था ड्यूटी से अपने। अच्छा। क्या काम करते थे वो? वो तो शौचालय में काम करते हैं, सफाई वफाई का, MCD की तरफ से। हाँ, वही बात है, बस पैसे छीन रहे होंगे तो ये छीनने नहीं दिया, वही चाकू मार दिया। ये भी सुनने में आया कि उन्होंने कोई खबर दी थी किसी को? नहीं नहीं, वो यहाँ पे रहते ही नहीं थे। अच्छा। वो तो महीने 2 महीने में आते थे यहाँ पे। कहाँ रहते थे वो? वो तो नई दिल्ली में रहते थे। नई दिल्ली में अलग से रहते थे परिवार के साथ? नहीं नहीं नहीं, कभी कदार आते थे मतलब घूमने हम लोग के पास, ऐसे बार नहीं रहते थे यहाँ पे। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानकारी नहीं? नहीं, पता ही नहीं चला कितने टाइम मार दिया कितने टाइम नहीं, ना उधर से आवाज़ आई ना कुछ भी, जब पब्लिक चिल्लाई है ना जब पता चला है। जी सर, आपका नाम? विनोद। आप उनके भाई हैं? हाँ। अच्छा, आपको क्या कुछ पता है कि क्या कारण रहा होगा उन लोगों का जो उन्होंने आपके भाई को मारा? मालूम, जब ये हादसा हुआ ना तो मैं शौचालय गया था लाइटिंग करने, जब वहाँ से लौट गया है ना तो यहाँ पे हमारे बंदे ने क्या तेरे भाई को किसी ने चाकू मार दिया, तो मैंने बोला कहाँ पे, अरे लाइन पे, तो मैं लाइन पे बाहर के गया तो वहाँ भाई मिला नहीं, उसको हॉस्पिटल ले गए थे। उसके बाद फिर हमारे पुलिस वाले वहाँ पे मिल गए, उन्होंने रोक रखा, पूछताछ कर रहे थे कहाँ गया था, मैंने बता दिया शौचालय गया था सर, और हमने देखा भी नहीं उस टाइम। अच्छा, ये अच्छा, उन लोगों के मारने के पीछे का कारण आपको पता है कि क्या कारण था कि उन्होंने मारा? नहीं बिल्कुल मुझे मालूम नहीं, कभी लड़ाई भी नहीं किसी से हुई उससे, बस वो मेरा भाई है, करीब 1-2 महीने में 1-2 बार आता है, उसके बाद फिर आता भी नहीं है, वो हमेशा वहीं रहता है नई दिल्ली में। उम्र कितनी थी आपके भाई की? 25 साल। इसके अलावा आपको कुछ जानकारी नहीं? नहीं। अच्छा, ये भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने कुछ मुखबिरी की थी कहीं किसी आसपास के लोगों को, कुछ पता? तो ऐसा तो कभी सुनने को नहीं मिला, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला ना, तो कभी गया वो उससे किसी से मतलब ही नहीं था, वो कभी ये समय नहीं रहता था अपना, आता था कम, एक तो पहली बार तो 2-3 महीने में आता था, कभी यहाँ रहता नहीं है यहाँ पे। तो यानी लूटपाट के चक्कर में उन्हें मारा गया पैसे उनके लेने के लिए? हाँ शायद, बता नहीं सकता मैं, मालूम नहीं है क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, आपको इस बात की जानकारी है कितने आरोपी थे कुल जिन्होंने मारा है उनको, हमला किया? उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मालूम, नहीं कभी देखा भी नहीं है हमने। मेरा उनके घर के बगल में दुकान है और मेरे, मैं जब कल आया तो मुझे पता लगा जो ऐसे ऐसे पुलिस ने एक बंदे को पकड़ाया, वो भी बंदा ज़्यादा सीरियस है, आपस में दोनों के तकरार के बीच में एक बंदा को तो मौके बर्दाश्त पर ख़त्म हो गया, वो सुनने को मिला मुझे, दूसरी में क्या सुनने के मिला, जो सामने वाला बंदा जो था ना जिसने मारा है उसको भी पब्लिकों ने, चाहे उन्होंने अपने आप को, ये तो हमने देखा नहीं, पर उनको भी चोट ज़्यादा लगा है,
वो भी भर्ती है, वो बचे या ना बचे ये हम नहीं बता सकते। दूसरा कौन था इंसान जिसके आप बात कर रहे हैं? वो जहाँ इस मर्डर हुआ था उसके जस्ट बगल में उनका ना रहता था वो, ठीक है, तो वो वहाँ पर रहता है, हमेशा ही रहता है, तो वो एक्चुअली हो सकता है इसके चक्कर में ना हो, चाहे किसी और के चक्कर में हो, वो चाकू ले रखा था, हर एक किसी से बोल उल रहा होगा, पी खा रखा होगा तो ऐसे बोलता होगा। इसी बात में ये हमारा जो दुर्गेश के सुनने में आया था, दुर्गेश आ रहा था वहाँ से नई दिल्ली से, नई दिल्ली से आने के बाद में स्टेशन पर इसका घर था, यहाँ उतरा, उसके बाद में वहाँ पर मतलब कोई बात हो रहा होगा सामने वाला बंदा के साथ में, तो ये दुर्गेश जो था वहाँ पर उसने कुछ बोला होगा, जब दुर्गेश ने बोला तो मतलब आपस में उन लोगों ने मतलब दोनों आदमी ने मिल के या तीन जो भी होगा, मैंने देखा नहीं मैम, ठीक है, हाँ जो मैंने सुनाई मिले मुझे मिला इससे देखा। उसके बाद पर मौके बरदात पर हमारे जो स्टाफ आए थे अदरसन थाने से, उन्होंने सबको मतलब पेशेंट को लेके दोनों को ही लेके गए, दोनों को बाबू जंगजीरा में लेके गए, एक तो मौके बरदात पर वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया गया और एक का मतलब ज़्यादा सीरियस था तो मेरे ख्याल से लोकनायक ट्रॉमा सेंटर में मतलब उनको भेजा गया था वहाँ से रेफर करके, ठीक है, उसका भी अभी हालत गंभीर है। और अभी हमारा जो सब्जी मंडी का जो थाने के पुलिस वाले हैं, हमारा जो स्टाफ यहाँ का है, जो भी अपना एरिया का है, वो सब मतलब वो लागे हुए, जो मतलब उसमें नाम आ रहा है तीन आदमी थे। अब तीन आदमी कौन कौन था वहाँ पब्लिक ने किसी ने मतलब उन्होंने देख नहीं पाया, तीन आरोपी थे जिन्होंने हमला किया था, भागा पब्लिक ज़्यादा भीड़ हो गया, भागम भाग के चक्कर में वहाँ कोई ढंग से देख नहीं पाया, ठीक है जी, है हम सब किसी को गिरफ्तार करे अभी तक पुलिस? हाँ, एक को मतलब किया है अपने कब्जे में ले रहा है पर उसका हालत ज़्यादा खराब है, वो इसलिए पुलिस अपना कस्टडी में लेके उसका इलाज करवा रहा है। कौन से थाने में गए मामला? ये मामला था पहले हमारा मतलब रेलवे का, ये सब्जी मंडी है ना, उस थाने में गया है, सब्जी मंडी थाने के मतलब उसमें गया है, और वो हमारे वो पड़ जाता है रेलवे में, तो रेलवे का जो पुलिस है ना वो अगला सारा कोऑपरेट कर रहा है। कल को हमने बॉडी लेने भी गए, अगला हमारे पास आया, फाइल विल बना के भरा, अच्छी तरह से हमें मतलब बॉडी को सही सलामत हमें हवाले कर दिया, ठीक है, और सब्जी मंडी से मतलब वो सब आए थे। जो आरोपी हैं उन्होंने क्यों मारा, इसके पीछे का कारण पता चला कि क्या आखिर कारण? उसमें कोई कारण नहीं था, कारण यही था जो मतलब वो पी खा रखा था और लाइन पर घूम रहा था, दुर्गेश भी घूम रहा था, तो दुर्गेश आया था अपने घर वाले से, उनकी यहाँ बहन रहता है, भाई रहता है, भाभी रहता है, उनकी भुआ हुआ रहते हैं सब मतलब यहाँ पर रहते हैं, तो पूरा बीत फैमिली उनका यहीं रहता है, तो महीना दो महीने में मतलब वो मिलने जुलने के लिए आ जाता था, ठीक है, तो कभी काल वो मिलने जुलने के लिए आया था तो अपना वहाँ उतरा था, तो अपने खा पी वो भी घूम रहा था, तो आपस में बाता बाती में कोई पर्सनल दुश्मनी किसी का नहीं था, आपस में बाता बाती में मतलब वो हो गया और मजाक मजाक में मतलब ये चीज़ कांड ये हो चुका था जी। आप लोगों की क्या मांग है सबकी? हमारी मांग यही है जो अगले किसी का देखिए, ये तो किसी का बेटा गया है, मानते नहीं मानते, जिस माँ को अच्छाई में अगर बेटा चला जाए तो माँ तो हमेशा मान लिए वो हो गया, इस बात को आप सब मानते हैं, ठीक है, तो यही है जो मैं सरकार से चाहे हम अपने भाइयों से सबसे ये कहना चाहता हूँ, जो माता वो उनका कुछ हेल्प हो जाए, किसी का मतलब भला हो जाए, कुछ गरीब वो हो जाए, और कुछ नहीं, हमें क्या किसी से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है, और बाकी जो है वहाँ पर हर एक पब्लिक को पता ही चाहिए होगे, सबको ही पता है जो मतलब वहाँ क्या होता है, हमारे आदर्शन थाने को, हमारे सब्जी मंडी थाने को, रेलवे पुलिस को, सबको पता है जो वहाँ क्या होता है। अच्छा, जो रेलवे लाइन है वो ऐसी वारदातें वहाँ पर होती रहती है? ऐसा होता है मैम, हमेशा होता है, वहाँ का हमारा स्टाफ है, उनको पता है सारी चीज़ें, पुलिस वहाँ पे तैनात नहीं रहती, पेट्रोलिंग नहीं करती मैम, दो तीन पुलिस रहते हैं पर वो क्या है घूमते रहते हैं, वो पर्सनल एक जगह मतलब रुक नहीं पाते क्योंकि अगले ड्यूटी है आजादपुर पुल से लेकर अशोक विहार पुल तक, बीच में आना जाना मतलब लगा रहता है जी, लेकिन फिर भी वहाँ पे वारदातें आम है, ये सब होता रहता है, पुलिस देख के भी, पुलिस जो देख के अनदेखा होता है, पुलिस को पता है, जो पुलिस को पता है यहाँ ये कांड हो रहा है फिर भी पुलिस देख के ना अनदेखा कर देता है जी, नहीं उतने टाइम पुलिस एक भी नहीं थी, एक भी पुलिस नहीं थी उतने टाइम, पुलिस जैसे 7 बजे से लगती है वहाँ पे 9 बजे तक लगना चाहिए, 10 बजे तक वहाँ पे एक पुलिस भी नहीं थी। तो देखिए फिलहाल मृतक दुर्गेश के परिवार के साथ जुड़े उनका ये कहना था कि दुर्गेश यहाँ पर नहीं रहते थे, वो नई दिल्ली में रहते थे और महीने में सिर्फ 1 से 2 बार यहाँ पर आया करते थे परिवार से मिलने, लेकिन जब इस बार वो यहाँ पर आए तो अपनी तनख्वाह लेकर यहाँ पर आए थे घर पर, और जब वो कुछ समय के लिए बाहर घूमने गए रेलवे लाइन पर तो वहाँ पर जो है उनकी किसी कुछ लोगों से विवाद हो गया जिस कारण उनके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। जब हम परिवार के साथ जुड़े और अन्य लोगों के साथ जुड़े तो उन्होंने ये बताया कि इस इलाके में वो जो इलाका है रेलवे लाइन वाला वो बिल्कुल भी सुरक्षित
सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर इस तरीके की वारदात काफ़ी ज़्यादा आम है, जिसको लेकर ये लोग कई बार पुलिस में भी कंप्लेंट कर चुके हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस पूरी वारदात का जो मामला है वो रेलवे सब्जी मंडी थाने में गया है और फिलहाल पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो तीनों आरोपी अक्सर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया करते थे यहाँ पर, और जेब कतरों जैसी जो है एक्टिविटीज़ उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रहते थे, जिस कारण इन लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है इलाके में। परिवार के अंदर भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं डर बना हुआ है इस पूरी वारदात को लेकर। तो आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ इस पूरी घटना में पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता है कि जबकि इन लोगों ने जो है कई बार थाने में इस पूरी वारदातों के बारे में शिकायत कर रखी है कि वहाँ का इलाका सुरक्षित नहीं है, फिर भी जो है पुलिस द्वारा वहाँ पर कुछ भी निगरानी नहीं रखी जाती, जिस कारण इतनी बड़ी वारदात ने अंजाम ले लिया। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।